अब देखिएगा बी टाइप में अभी तो ये हम लोग था अपोजिट पढ़ रहे थे, ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक, टैन का अपोजिट कॉट, सेक का अपोजिट कॉस, ठीक है, तो उसके बारे में। अब देखिएगा अगर हम बोले क्या साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो इसके बराबर पाई बाय टू होता है, ठीक है। और पहला ये हो गया, दूसरा नंबर में यही देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। और तीसरा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन और कॉस को जो जोड़ने पर आपको मिलता था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता था, दो एंगल को जोड़े, तो वो चीज नहीं सोचना है। क्या सोचना है जी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाय टू मिलेगा और इसी तरह से ये मिलेगा। तो इसका भी एक प्रूफ हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रूफ में देख लीजिएगा। तो पहला का एक देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू दिया गया, ठीक है। तो यहां भी आपको मान लेना होगा, एलएचएस से चलते हैं, ठीक है, तो लेट यहां मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए मानना इसमें भी आपको, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप मान लीजिएगा, ठीक है, और आराम से प्रूफ कर सकते हैं। आपको केवल फॉर्म को पहचानना है कि यदि हम साइन इनवर्स एक्स मान लिए हैं तो हमको यहाँ कॉस लाना है तो कॉस के लिए क्या सोचेंगे, ठीक है, तो साइन का वैल्यू कॉस के फॉर्म में क्या होता है वो आपको सोच लेना है। तो चलिए, तो यहाँ लिख देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस के फॉर्म में क्या होगा। साइन थीटा का वैल्यू कॉस के फॉर्म में यदि आपसे पूछे हम तो क्या बताइएगा जी, तो आपको याद होगा, चलिए बोलिए, ठीक है, आप लोग भी बीच बीच में बोलते रहिएगा, ठीक है, क्या हो सकता है वैल्यू, समझ रहे हैं बात को ना, बीच बीच में आप लोग बोल बोल के पढ़ते रहिए, ठीक है। और हम आपसे आशा करेंगे कि आप लोग कॉपी कलम और किताब साथ में रखे होंगे, रखना केवल नहीं है जी, पढ़ना है, ठीक है, कॉपी से जो जो भी है उसको नोट करते चलना है, ऐसा नहीं कि बगल में कॉपी रख लिए पेन रख लिए चलिए शुरू हो गए, ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है नहीं कि इसको बस कुछ भी आए तो जय कर देना है जी, नहीं ना, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान भी लिख के इसको लिखेंगे भी, ठीक है, एक बार खुद से लिख के प्रूफ कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अपना हो जाएगा। चलिए, तो इसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा का फॉर्म दिया गया है, हमको कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा को, तो आप बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, समझ रहे ना, ये पाई बाई टू, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, हम इसको केवल रेडियन में चेंज कर दिए क्योंकि जो ये वैल्यू हमको निकालना है ना ये रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में निकालने के लिए मतलब पाई बाई टू लिखना होगा, ऐसे तो समझ रहे होंगे, इसमें तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जो भी फॉर्म होता है उस चेंज कर जाता है एंगल, समझ रहे हैं बोला, वो आप लोग समझे होंगे कि वर्टिकल लाइन होता है जो चेंजिंग लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करता है, मतलब 90 डिग्री वाला चेंज कर जाता है, ठीक है, 90 डिग्री या 270 डिग्री चेंज कर जाता है, ठीक है, 80 या 360 जीरो क्या होता है चेंज नहीं करता है, तो पढ़े थे आप, तो वही हम क्या कर लिए साइन थीटा को कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज केवल कर लिए, ठीक है। तो इतना चीज तो आप तो समझ ही रहे होंगे। अब क्या होगा कि देखिए अब हमको इनवर्स में लिखना है, तो इनवर्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इनवर्स में लिखने के लिए कॉस को इस साइड लेके आते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा। देख लीजिएगा फॉर्म कैसे कैसे हम क्या करें, अब इसको इनवर्स में लिख लिए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, कॉस इनवर्स एक्स और ये माइनस में थीटा है, इसको प्लस में थीटा को निकाल लीजिए और पाई बाई टू का आपका जरूरत है कर लेते हैं, यहां तक तो सबको नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा और थीटा इक्वल टू आपने क्या माना है तो साइन इनवर्स थीटा, तो लिख लेते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, बस प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकेंड को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप मान लीजिएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्म क्या होता है कॉट के फॉर्म में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब उस थीटा को माइनस में जो आएगा उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, समझ रहे ना आप लोग, ठीक है। अगर हम उस थीटा को इस साइड ले लेंगे और जो मान है बस उसी का वैल्यू वहां रख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।